الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का जो उन्वान शायद अनाउंस किया होगा, आप लोगों को पता होगा, अंदाज़े तालीम। आमतौर पर जुम्मा की किताब में हम तरबियती एतबार से बातें सुनते हैं, अकीदे के एतबार से, इस्लाह के एतबार से। तालीम भी एक ऐसा मकाम है और तालीम भी एक ऐसा फन है, ऐसी जगह है कि जिसको दीन के साथ कनेक्शन है। जैसे कि दो तरह से इल्म होते हैं, दो किस्म के इल्म होते हैं। एक होता है रिवील्ड नॉलेज, जो वही के जरिए नाजिल होता है। एक होता है अचीव्ड नॉलेज, जो आदमी सीखता है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, एरोप्लेन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, इसको अचीव्ड नॉलेज कहते हैं। इसे फरिश्ते आके नहीं सिखाते, ये अचीव्ड नॉलेज होता है। और दोनों का सोर्स अल्लाह तबारक व तआला है। आज जिस जमाने में हम रहते हैं, गुजर रहे हैं, वो जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। और इंफॉर्मेशन का कनेक्शन डायरेक्टली नॉलेज के साथ और तालीम के साथ है। अगर आप किसी भी फैमिली को आप देखेंगे तो उनका 1/3 बजट एजुकेशन में खर्च होता होगा। अगर आपके भी बच्चे हैं तो शायद आपको भी पता होगा कि 1/3 घर का खर्चा बच्चों के एजुकेशन पे होता है। किताबें, रेनकोट, बुक, स्कूल फीस, डोनेशन स्कूल का, ट्यूशन फीस, एक्सकर्शन, ये सारे खर्चा साल भर के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/3 खर्चा। अगर एक बच्चा है तो, दो बच्चे हैं तो तकरीबन आधा खर्चा बच्चों के एजुकेशन में जाता है। और तालीम का मकाम इस्लाम में बहुत बुलंद है। एक होता है इल्मे दीन की तालीम, जो हर मुसलमान पे फर्ज है। एक होता है दुनिया के अंदर हलाल रोजी कमाने की तालीम, ये भी हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। और इस्लाम ने इसको बहुत अच्छा समझा है। आप देखिए जंगे बदर में जो कुफार कैप्चर हुए थे, वॉर कैप्टिव जो थे कुफार, तो उनको फिदिया लेकर छोड़ने की इजाजत मिली कि भाई फिदिया लो और इनको आजाद कर। कुछ लोग थे जिनके पास फिदिये के पैसे नहीं थे लेकिन पढ़े लिखे थे, तो उनसे यह कहा गया कि आप मुसलमान के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो और जाओ। यानी दुश्मनों को भी माफ करने के लिए अगर उनसे तालीम मिलती है तो दुश्मन को भी माफ करके छोड़ दिया गया। ये मकाम एजुकेशन का है। लेकिन अगर आज हम मुसलमानों के हालात देखेंगे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, कराची हो, लाहौर हो, दुबई हो, कहीं पर भी आपकी देसी कम्युनिटी यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसको देसी कहते हैं, आप पूरे दुनिया में देखेंगे कहीं पर ये लोग रहते हैं तालीम के पीछे दिल से खर्च नहीं करते, मजबूरी से करते हैं। कंपैरेटिवली हमारे खर्चे जूतों में ज्यादा होते हैं। कौन हमारे ऐसे कि जूते एडिडास के पहनेंगे, नाइकी का जूता पहनेंगे लेकिन तालीम में इतना खर्च नहीं करते हैं। मुसलमानों के मोहल्ले में आलीशान शादी के हॉल्स होते हैं, हम देखते हैं शादियों के हॉल्स, एक गली में कितने शादी के हॉल होते हैं, लेकिन स्कूलें बहुत कम होती है जो अच्छे क्लास की हो। वैसे तो बहुत लोगों ने कोशिश की है स्कूल खोलने की, लेकिन जो लेवल होना चाहिए स्कूल का, वो लेवल की स्कूलें नहीं है हमारे मोहल्ले में। मैं बम्बई में रहता हूँ, खास करके अंधेरी जोगेश्वरी का जो इलाका है काफी मशहूर है, मुस्लिम लोकैलिटी के एतबार से काफी मशहूर है। वहां एक रोड है SV रोड, सीधा सीधा रोड, वो जाता है दादर से लेकर बुरीवली तक, लंबा रोड है। तो अंधेरी से जोगेश्वरी तकरीबन 1 किलोमीटर होता है, 1 या 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पे कम से कम 15 शादी के हॉल और ब्रांडेड होटल, फलाना दरबार, ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड होटल। यानी अगर आप चाय पीकर आएंगे तो 100 रुपए का खर्च हो जाएगा, बिरयानी खाएंगे 3-4 जन मिलके कम से कम 1000 रुपए का खर्च हो जाएगा। ऐसी ब्रांडेड होटल्स कम से कम 15 है।
15 शादी के हॉल, 15 ब्रांडेड होटल्स, और उस होटलों में शनिचर, जुमा, इतवार, इन दिनों में रात को 1 बजे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यानी मुसलमान शौक से खर्च करता है खाने पीने में, हराम नहीं कहता हूं मैं, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं। उसके मुकाबले में उस लोकैलिटी में एक भी इंग्लिश स्कूल नहीं है, एक आध उर्दू स्कूल होगी लेकिन इंग्लिश स्कूल एक भी नहीं है, कॉलेज का है ही नहीं, स्कूल हाई स्कूल नहीं है, एक कोचिंग क्लासेस नहीं है पूरे लोकैलिटी में, एक भी कोचिंग क्लास नहीं है। अक्सर मुसलमानों के बच्चे माहौल न मिलने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद, SSC के बाद। इसीलिए तुमको बॉम्बे के बड़े बड़े मॉल में या मोबाइल की दुकानों में आपको मिलेंगे तो मुसलमानों के बच्चे जीन्स और मोबाइल की दुकानों में आपको मिलेंगे। आप कभी भी अगर बॉम्बे आओ, मुझे हैदराबाद का इतना नहीं पता है लेकिन बॉम्बे में अक्सर मोबाइल्स की दुकानें और जीन्स टी शर्ट्स की दुकानों में जो मॉल में चलती है उसमें मुसलमानों के बच्चे होते हैं, ड्रॉप आउट। कितना पढ़ाई किया, 12th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट, 11th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट बहुत खानदानी लफ्ज बन चुका है हमारे कॉम के लिए, ड्रॉप आउट। बस जोगेश्वरी अंधेरी से थोड़ा दूर 1.5 किलोमीटर दूर पे महाराष्ट्रियंस, गुजराती, सिंधी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी के हल्के आते हैं, जैसे आपके ये हल्के कैसे है वैसे। और 25 साल पहले बचपन में मैं वहां रहता था, बहुत सालों के बाद वहां इत्तेफाकन जाना हुआ और देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें, हर कॉमर्शियल बिल्डिंग में 3-3 कोचिंग क्लासेस, NET, CET, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, प्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACA, कोई भी कोर्स देख लो, हर बिल्डिंग के अंदर आपको एयर कंडीशन कोचिंग क्लासेस। और पैसे वालों के बच्चे, गुजराती, मारवाड़ी के पैसे वालों के बच्चे नीचे इडली खाते हैं, बिरयानियां नहीं खाते हमारे बच्चों की तरह, इडली खाते हैं और ऊपर पढ़ने जाते हैं। और जैसा ही ग्रेजुएशन खत्म होता है यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं और वहीं पे वो लोग सेटल हो जाते हैं अक्सर। आप कंपेयर कीजिए कि हमारे मुसलमानों का जो बैकवर्डनेस है उसके बहुत सारे रीजंस है, अकीदे की खराबी, अखलाक की खराबी, लेकिन तालीम से लापरवाह रहना ये भी एक किस्म की बदअखलाकी है। अपने आप को एजुकेट नहीं करना ये भी एक किस्म की बदअखलाकी है। एक है कि आप मजबूर है, जंगल में रहते हो या छोटे से गांव में रहते हैं, वहां पे स्कूल ही नहीं है, और एक है कि आप एक शहर में रहते हो जहां पे हर किस्म की सहूलतें हैं। अगर आपके पास सहूलत होने के बावजूद भी आप नहीं इस्तेमाल करते तो समथिंग इज रॉन्ग विद द कम्युनिटी। हमारे एक दोस्त के साथ एक डिस्कशन चल रहा था इसी टॉपिक के ऊपर कि भैया मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना है शहर में, बॉम्बे शहर में, तो कोई कहता है 35%, कोई सीना तान के कहता है 20%, बड़े बड़े फख्र के साथ। तो मैंने कहा भाई देखो इस तरह से ताकत नहीं बनती है। मुंबई में अगर हमारे 10-15% मुस्लिम्स है, हॉस्पिटल कितने हैं, टाटा कैंसर हॉस्पिटल पारसियों का है, खाली 1.25 लाख आबादी है, सिर्फ 1.25 लाख पूरी दुनिया के पारसी। लेकिन देखो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, टाटा रिसर्च सेंटर, मारवाड़ियों के अंदर मारवाड़ियों के मुसलमानों की आबादी तकरीबन सेम है या शायद थोड़ी सी आधी होगी हमसे, लेकिन हिंदू का हॉस्पिटल, फिर बॉम्बे हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल इनके हैं। ये बोरी कम्युनिटी है, बोरा जी बोरा कम्युनिटी होते हैं, व्यापारी कम्युनिटी, ये 1.5-2 लाख है मुंबई में, 1.5-2 लाख। लेकिन सैफी हॉस्पिटल चौपाटी के सामने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने आते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल। खोजा कम्युनिटी आधा खानी, 1.5-2 लाख बॉम्बे में, ज्यादा नहीं होंगे, अक्सर गरीब तबके। लेकिन प्रिंस आगा खान हॉस्पिटल एशिया का बेस्ट मेंटेन्ड हॉस्पिटल का अवार्ड कई दफा इनको मिल चुका है। अब हम देखिए हमारे सुन्नी भाइयों की, हम सब सुन्नी हैं, सब आगे इसमें, हमारे हॉस्पिटल्स कितने हैं उस लेवल के, यानी लोग बाहर से इलाज कराने आ गए वर्ल्ड क्लास का, बॉम्बे में एक भी नहीं। छोटे छोटे हॉस्पिटल्स लोगों ने खोले हैं, क्लिनिक्स खोले हैं या OPD खोला है, अपनी जगह पर, वो तो
हर गलियों में होते हैं, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल जो कहते हैं ना कि ट्रेडमार्क हो जाता है कम्युनिटी का। हमने इस मुल्क के ऊपर 800 साल हुकूमत की, हमने ताजमहल बनाया, हमने कुतुब मीनार बनाया, हमने शालीमार गार्डन बनाया, अंग्रेजों ने 200 साल भी नहीं की, 200 साल की हुकूमत नहीं हुई। लेकिन अगर आपके शहर में देखोगे तो कम से कम 40 मिशनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। जिस वक्त ताजमहल बन रहा था 1650 के आसपास में, 1623 के आसपास में जब ताजमहल बन रहा था, पेरिस यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। तो हमको पता चलता है कि लोगों का जज्बा हमारे ऊपर क्यों है कि हम लोगों ने तालीम से एराज किया। आज अगर मुसलमान मोहल्ले में आपको अच्छे ट्यूशन टीचर चाहिए तो नहीं मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे इखराजात हमारे खाने पीने में और शादियों में ज्यादा होते हैं। अगर आप शाम को कभी तन्हाई में बैठकर किसी शादी का बजट बनाएंगे तो 25 लाख रुपया हो जाएगा। गरीब की शादी में कम से कम 5-6 लाख रुपया हो जाता है। कुछ साल पहले हमारे किसी हमारे घर पे झाड़ू पोता मारते हैं काम वाली, तो उसके शादी में उसकी भाई की शादी थी, तो गरीब है तो जाएंगे नहीं तो बुरा लगेगा, तो गए गरीब है मुस्लिम है स्टार्टर ज्यूस, ऐसे तो हमारी शादी में नहीं खाए हमने स्टार्टर ज्यूस, उसके बाद चिकन लेग पीस, उसके बाद फराना, फिर डिंगा। तो बाद में मैंने पूछा कि भाई इतना खर्चा तुम्हारी सैलरी कितनी, हमको पता है हम ही देते हैं 3-4 घर में और काम करते हैं। तो कहते हैं कि गांव की जमीन बेचकर हमने शादी में खर्च किया। यानी आप समझ लो कि 3 घंटे की शानो शौकत के लिए, स्टेटस के लिए कि वाह निसार साहब के वहां खाना खाया, क्या खाना था। और अक्सर आप देखेंगे शादी से जब आप लौटते हैं तो मेन टॉपिक डिस्कशन का क्या होता है, खाना कैसा था। हर आदमी ये डिस्कस करता है खाना कैसा था, मैंने पानी पूरी ज्यादा खाया, तुमने आइसक्रीम कितनी खाई, तुमने बिरयानी की लेग पीस कितने खाए, तुमने स्टार्टर ज्यादा खाया कि पुलाव ज्यादा खाया। पूरा पोस्टमार्टम खाने पीने की चीजों पर होते हैं, कितने रिश्तेदार से मिले, कौन बीमार है, कौन क्या है, उसकी हम डिस्कशन नहीं करते। हालांकि निकाह के वली में जो होते हैं हमारे, वो एक गैदरिंग होती है फैमिलीज की, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती है। एक शादी के अंदर 4 शादियां हो सकती है कि भाई आपका कोई बेटा है तुम्हारा, हमारे पड़ोसी की बेटी, कोई अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह से एक शादी के अंदर 4-5 शादियां हो सकती है। बिजनेस के विजिट्स कार्ड लेकर आप बिजनेस फैला सकते हो, लेकिन हम लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमारा मिजाज जो है एक खाने पानी में खाने पीने वाली कम्युनिटी जैसा हो गया। हमारे असलाफ जो थे अंबिया किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, इनकी आइडेंटिटी थी कि ये लोग कम खाते थे, सादगी वाला खाना खाते थे, ये इनका ट्रेडमार्क था। ये मुगलाई डिश और ये हैदराबादी बिरयानी और ये चिकन टिक्का, ये कोई अरब से आई हुई आइटम्स नहीं है, ये अरब से और सहाबा से आई हुई आइटम नहीं, लेकिन इसकी आइडेंटिटी मुसलमानों के कल्चर के साथ लग चुकी है। तो लोग मुसलमानों के घर पे आते हैं, भाई रमजान के महीने में मुसलमानों के मोहल्ले में जाएंगे तो आपको खाना पीना अच्छे में अच्छा मिलता है। हालांकि रमजान इज द मंथ ऑफ वर्शिप, वो तो इबादत का महीना है, त्योहार का महीना थोड़ी है। रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ फेस्टिवल, रमजान इज द मंथ ऑफ वर्शिप। लेकिन फेस्टिवल हो गए, 12-1 बजे शॉपिंग करेंगे, तरावियां छोटी पढ़ के मुख्तसर पढ़ के हम रात रात भर दुकानों में बैठेंगे, हमारी भी लैलतुल कद्र खराब करेंगे और दूसरों को भी खराब करेंगे होलसेल में। तो मालूम हुआ कि इन सारी चीजों की वजह की है कि हमारे यहां हमने दीन और दुनिया दोनों की तालीम से हम थोड़े से दूर हो चुके हैं। अब अगर आप ये जुमा की अहमियत समझे, जुमा की अहमियत, तो साल में 52 जुमा मिलता है, 52। 12-13 साल की उम्र में जब बच्चा समझने लगता है, 13 साल की उम्र से लेकर 63 की एज जो एवरेज उम्मत की एज है, यानी 50 साल में आपको 50 × 52 यानी 2500 घंटे आपको दीन सीखने मिलता है। कितना? 2500 घंटे दीन सीखने मिलता है मुफ्त में, एयर कंडीशन में बैठकर। अगर इस मस्जिद में कोई बच्चा आएगा 50 साल तक तो एयर कंडीशन में बैठकर, फिर भी हम यहां से क्या लेकर जाते हैं,
तकरीरें हम सुनते हैं, क्या वाकई में हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है? क्या हमारे कैरेक्टर में तब्दीली आती है? क्या हमारा हमारे डीलिंग्स के अंदर अपग्रेडिंग होती है? अगर फर्क नहीं आता है, अगर हमारा टॉलरेंस नहीं बढ़ता है, अगर हमारे अंदर भलाइयों की तरफ रुझान नहीं बढ़ता है, तो मालूम हुआ कि हम सिर्फ खुतबा सुनते हैं, दिल में नहीं उतरते। जैसे कि हदीसों में आता है कि ईमान दिल में उतरना चाहिए। एक सरसरी तौर पर हम देखते हैं भाई जुमा की नमाज कितने बजे है, असल में पूछना ही चाहिए खुतबा कितने बजे शुरू होगा। लेकिन ये भी एक तालीम का है, अल्लाह ताला ने इसको कुरान में फर्ज करा रखा है। अगर आप जुमा सूरह जुमा की आयत पढ़ेंगे ना, सूरह जुमा के अंदर जब जुमा की अजान दी जाए, अल्लाह ताला फरमाता है तो अल्लाह के जिक्र के लिए जल्दबाजी करो, यानी जुमा की अजान सुनने के बाद जल्दबाजी करो ताकि तुमको अल्लाह का जिक्र, यहां अल्लाह का जिक्र से मुराद खुतबा है, क्योंकि उसकी बात की आयत कहती है कि जब नमाज खत्म हो जाए फंतशीर, फिर आप जमीन पर फैल जाओ हलाल की रोजी तलाश करने में। कितना घंटा होता है? 45 मिनट का खुतबा और 10-15 मिनट की नमाज, एक घंटा, सिर्फ एक घंटा। लेकिन अफसोस हमारे यहां एक घंटा भी भारी होता है। नमाज खड़ी होने के 5 मिनट पहले हम पहुंचते हैं ताकि नमाज चली नहीं जाए। और बनी इसराइल का वाक्य अगर आप पढ़ेंगे, उनको खिंजीर और बंदर बना दिया। ये वाकई है कि पीछे बैकग्राउंड आप जानते हो, उन्होंने सब्बात के साथ तारीफ तावील की, उसकी बेहुर्मती की। उनके लिए सैटरडे था, हालांकि जुमा था, लेकिन उन्होंने सैटरडे कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फ्राइडे मगरिब से लेकर सैटरडे मगरिब तक इनके लिए वाजिब था कि ये अल्लाह की इबादत में करने का। इट वॉज ए जनरल हॉलीडे, दुकानें बंद, ऑफिस बंद, शान और शौकत बंद, घूमना फिरना नहीं, अल्लाह की इबादत करो 24 आवर्स। उनसे नहीं हुआ, वो मच्छी पकड़ने लगे, हम जानते हैं ना बाकिया, वो मच्छी पकड़ने लगे और अल्लाह की शरीयत में तब्दीली हो गई। सैटरडे यानी जो उनका जुमा था उसके अंदर उन्होंने गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने उनको खिंजीर और बंदर बना दिया। 24 घंटा था उनके लिए, हमारे लिए सिर्फ एक घंटा है, सिर्फ एक घंटा है। तो हम सिर्फ एक घंटा भी नहीं दे सकते हैं जुमा के लिए, क्योंकि हमें जुमा का खुतबा सुनने में मजा नहीं आता, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के प्रोडक्ट हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट के भैया 2-1.5 मिनट की वीडियो में बहुत मजा आता है, भैया 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट की वीडियोस देखते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, लेकिन दीन पे आदमी बात करता है तो हमें पसंद नहीं होता, बोर हो जाते हैं लोग सुनने की। यानी बहुत सारे लोग की इंसोमिया नींद नहीं आती है, तो इलाज अक्सर मस्जिदों के खुतबों को समझ लेते हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम भी हमारे पहले की जो कौमें थी उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। उनके लिए 24 घंटा था समझ में आता है कि भारी था, हमारे लिए एक घंटा भारी है कि एक घंटा जुमा का खुतबा हम नहीं सुन पाते। 45 मिनट का कोई मस्जिद में 40-45 मिनट से लंबा खुतबा नहीं होता है। अब होता क्या है कि भाई वो अच्छा खतीब कहां होगा? दीन के मामले में खतीब अच्छा है या बुरा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, बात क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऑथेंटिक बात करता है और तोतला तोतला के बोलता है, या उसकी उर्दू के अंदर खराबी है, कुछ भी होगा, लेकिन अगर वो बात ऐसी करता है जिससे मेरी आखिरत में फायदा होगा, तो यकीनन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो नुमान अली खान या मुफ्ती महम की तरह धुआंधार तकरीर करे तो ये हम सुनने जावे। ऐसा दीन के मामले में ऐसा नहीं है, दीन के मामले में ऐसा नहीं है, कारोबार के मामले में हो सकता है। तो हमने अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से भी दूर कर दिया और इल्मे दीन से भी दूर कर दिया, दोनों से हम दूर हो गए। पता ये चला हम अपने आप को किसी भी मुसलमान को पूछेंगे ना तो वो समझेगा कि वो अच्छा मुसलमान है। कोई इस बात को तन्हाई में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो दीन से दूर होते जा रहा है, चाहे मामलात में, माशरात में, इल्मियात में, दीनियात में, हर मुसलमान पीछे होता जा रहा है। किसी भी कौम की हालत अगर देखनी है कि भैया उसका कैरेक्टर का पैरामीटर या मैयार क्या है, बेंचमार्क क्या है, तो रोड पे आप देख सकते हो पर्सनैलिटी कम्युनिटी की रोड पे नजर आती है। बाइक चलाते हैं, कैसे चलाते हैं,
मुझे रोड क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे, रोड क्रॉस करना कोई भी मुस्लिम में किया, पिंडी बाजार हो, अंधेरी हो, अपना जहानमा हो, कोई भी मुस्लिम में किया, लोग बहुत रफ चलाते हैं। और रमजान के वक्त खास करके इफ्तार के वक्त आप लोगों ने महसूस किया होगा या तजुर्बा भी किया होगा कि लोग इफ्तारी लेकर जल्दी भागने के चक्कर में होते थे, इफ्तारी के 10 मिनट पहले रोड पे शोर बकोर रहता है, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, लोगों का बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है, बेसब्री आपको रोड पे मिलेगी अक्सर, बेसब्री, झगड़े। हालांकि रमजान में रोजे की हालत में कोई झगड़ा करना है तो भी आपको यह कहना है कि भाई मैं रोजे से हूं, लेकिन यहां हम आगे चलकर माशाल्लाह लोग गालियां भी देते हैं, रोजा के लोग गालियां भी देते हैं, तो कैरेक्टर नजर आता है रोड के ऊपर। क्यों? कि स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर हम तो जाते नहीं है, तो हम जहां रहेंगे वहीं हमारे किरदार नजर आते हैं। आप देखिए मुसलमानों के मोहल्ले में 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक खाने की होटलें खुली होती है। एक महीने पहले मैं बॉम्बे में गांधीवली डोरीवली मुस्लिम नॉन मुस्लिम एरिया गुजरातियों का एरिया, तो कुछ काम से लिए गया तो रात को 10 बजे रोड खाली, ऐसा लगता है कर्फ्यू, यानी डर लगता है कि कहीं कुत्ते भौंकेंगे या कोई चोर आके चोरी कर लेगा, एक आदमी नजर नहीं आता। 10-10:30 बजे होटलें होना बंद होना शुरू हो जाती है, हमारे वहां 10 बजे होटलें शुरू होती है। और सुन्नत यह है कि ईशा के बाद आदमी को घर में रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकों में, बेहतरीन अखलाकों में एक अखलाक यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद बातें करना पसंद नहीं करते थे, यानी कुछ काम है तो खुतबा भी दे देते थे, जुमे रात को जैसे औरतों के लिए खुतबा देते थे, बुखारी किताबुल हिजर में आता है, वरना अपने घर चले जाते थे। आज मुसलमान का बच्चा ईशा के बाद ही घर से निकलता है और फजर में सो जाते हैं। आप देखिए शादियां आपके यहाँ, हमारे यहाँ बम्बई में भी ऐसे ही है कि रात को 1 बजे में शनिचर इतवार को रात को 1 बजे लोकल ट्रेन पे आप स्टेशन पे खड़े रहोगे तो मुसलमानों की औरतें जेवर वेवर पहनकर लास्ट ट्रेन में घर पे जाते हैं, यानी शादियां 1 बजे खत्म होती है, 1:30 बजे खत्म होती है, घर पे पहुंचते पहुंचते 2:30-3 बज जाते, कौन फजर पड़ेगा। तो पूरी कम्युनिटी एक साथ में अल्लाह की नाफरमानी करती है। एक होता है कि आदमी इनफरादी गुनहगार है, इंफरादी गुनहगार है तो उसकी नहुसत की वजह से भी अल्लाह की बरकतें रुक जाती है। और एक है कि आदमी इज्तमाई तौर पे गुनाह करते हैं, सब एक साथ में फजर मिस होती है, एक साथ में रातों को रखड़ते हैं, यानी सुन्नतों की परवाह ही नहीं करते, एक साथ में बड़ा तबका एजुकेशन से दूर है, बड़ा तबका दीनी तालीम से दूर है, बड़ा तबका जुमा के खुतबे से दूर रहते हैं, तो नॉलेज का कोई सोर्स ही बाकी नहीं रहा इज्तमाई तौर पर, यानी कलेक्टिवली। तो जब कलेक्टिव बिगाड़ आता है तो अल्लाह का अजाब फिर ड्यू हो जाता है, कलेक्टिव होता है। एक होता है कि आदमी इंफरादी तौर पर गुनाह करता है, इस्म और बुदवान, इस्म कहते हैं कि भाई गुनाह किया, हर आदमी गुनाह का कहीं ना कहीं गुनाह करता है, इस्म। एक होता है उदवान, उदवान कहते हैं खुला खुली गुनाह करना, बगावत, क्या हो जाएगा यार, क्या होता है, हम अकेले थोड़ी है, पूरा मोहल्ला रात को जागता है, इसको कहते हैं उद्वान, बगावत। तो जब पूरी कौम उद्वान पे उतर आती है तो अल्लाह का अज़ाब भी हो जाता है, चाहे वो बनी इसराइल हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो जरूरत है कि हमारे अंदर थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए। हमारे कौम ऐसे थे, हमारे जो असलाफ थे ना सहाबा किराम में, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, चंद सहाबा किराम पढ़े लिखे थे, उमर बिन अल खत्ताब ओरेटर स्पीकर, वैसे चंद सहाबा थे वो पढ़े लिखे थे, अक्सर तबका चरवाहा लेबरर फार्मर किसान ये लोग थे, लेकिन जब सीखना शुरू किया उन्होंने दीन तो ऐसी बुलंदी पे चढ़ गए कि अल्लाह ताला ने इनको उस जमाने का मिलिट्री जनरल बनाए, एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, अकाउंटेंट्स बनाए, जुडिशरी के अंदर मैजिस्ट्रेट बना दिए, वही लोग अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की वजह शेपर्ड, क्या थे शेपर्ड, बकरी चरवाते थे। जब अबू जहल का सर कलम किया तो कहने लगा चरवाए तू बहुत बड़ी जगह पे चढ़ के बैठा है, यानी चौधरी के सीने पे चढ़ के बैठा है, यानी ही वाज़ अ शेपर्ड। लेकिन जब इन्होंने दीन इल्म हासिल करना शुरू किया तो ये मुफ्ती थे अपने जमाने में, गवर्नर थे,
किसने सिखाया? अहले इल्म, अहले दीन जब आता है, दीन जब आता है इल्म के साथ, तो उसके साथ इज्जत आती है, और अगर दीन चला जाता है तो इज्जत चली जाती है। क्योंकि इस उम्मत की इज्जत, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते थे, इस उम्मत की इज्जत कुरान के जरिए आती है और इसकी जिल्लत भी कुरान के जरिए आती है। जो आदमी कुरान छोड़ देगा तो इनका से हासिल करेगा, कितनी भी तकरीर आप सुनेंगे बड़े बड़े मुकर्रिरों की, लेकिन अगर कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती है तो आप अल्लाह से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई दिन ऐसा गुजरे, अगर कोई दिन ऐसा गुजरे कि आपने मुशफ नहीं खोला, मुशफ नहीं खोला, तो अपनी तकदीर पे आप रो कि अल्लाह मुझे तौफीक नहीं हुई कुरान पढ़ने की। आज हम सिर्फ रमजान में पढ़ते, साल साल भर महीना निकल जाता है कि हमने कुरान खोल कर पढ़ा है, महीना निकल जाता है कि हमने कुरान खोल के पढ़ा है। एक दिन अगर छूट गया कुरान खोल कर, मुशफ खोल कर पढ़ना एक दिन अगर छूट गया, तो आप अपनी तकदीर पर आंसू बहाइए कि बदकिस्मती है, क्या अल्लाह नाराज है कि आज तौफीक नहीं हुई। कुरान का इल्म जब कौम के अंदर आता है तो तकवा आता है, तकवा आता है तो अल्लाह उसको फुरकान नसीब करता है। ये कोई कुरान की आयत है कि हम तुमको फुरकान देंगे अगर तकवा रहा तो फुरकान जब आता है तो आदमी को पता चलता है जिंदगी के हर शोबे में फैसले करने की सलाहियत आती है। अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन अलास ये कहते हैं कि किसी भी शख्स के इल्मे दीन का मकाम, इल्मे दीन का मकाम यानी उसका दीन का फहम कितना टॉप है, ये जानने के लिए ये देखो कि वो गुड, बेटर और बेस्ट में कौन सी चीज पसंद करता है। एक तो है कि हराम है हलाल है, हजा हराम हजा हलाल, तो सबको पता है कि ये हराम है ये हलाल है। एक है हलाल के अंदर कौन सी चीज बेहतर है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये एक्सीलेंट है, वो आदमी अगर पसंद करता है दीन के नॉलेज के अखबार से, तो उसका फिक्र, उसका इल्म दीन की जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो बहुत हाई है। और बुराइयों के अंदर ये बड़ी बुराई है, ये छोटी बुराई अगर उसके समझ में आता है, इसी को फुरकान कहा गया। यानी क्राइटेरिया किसी भी चीज को परखने का, अच्छा है बुरा है, बहुत अच्छा है बहुत बुरा है, किसी भी चीज को परखने का क्राइटेरिया, ये इल्म दीन का एजुकेशन है। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो किस्म के एजुकेशन होते हैं, एक एजुकेशन होता है वही के जरिए जो कुरान हमें नाजिल हुआ है, जो सुन्नत रसूल हमारे पास है, और एक एजुकेशन होता है हम जो मेहनत करते हैं, पढ़ाइयां करते हैं। और दीगर कौम आपको पता है अहमदाबाद में रोज एक फ्लाइट, रोज रोजाना एक फ्लाइट अहमदाबाद में यूके कैनेडा जाती है, भर भर के बच्चे एग्जाम देते। क्यों? कि वहां पे भी कानून पढ़ाई के लिए थोड़ा आसान हो चुका है। क्या दो साल पढ़े दो साल काम कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। तो प्लेन भर भर के लोग जाते हैं, भर भर के, और हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमारे बाद अगर किसी बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है तो हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं जो उसकी राहबरी कर सकते हैं, बहुत कम लोग। तो मालूम ये हुआ कि हमने इल्म की कदर नहीं की, हमने जूते की कदर की। हमारे पास जूते 3000, हमारे बच्चे 3000 के जूते पहनते हैं। जो कौन जूते में ज्यादा खर्च करती है और पढ़ाई में इल्म में खर्च कम करती है, जब जूते के ऊपर खर्च आपके इल्म से बढ़ जाते हैं तो आपका मकान भी वही जूते के बराबर हो जाएगा। जब किताबें फुटपाथ पे पड़ी रहती है और जूते अच्छी तरह से रखे जाते हैं मोहल्ले में घरों के अंदर अच्छी तरह से साफ करके पॉलिश करके, और किताबों की कदर नहीं होती है, तो उस कौम का मकाम जूते खाने की बारी आती है, उस कौम को जूते खाने की बारी आती है। क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो ये एक मौका था हमारे लिए कि हमने यहाँ जुमा के दिन अल्लाह ने मौका दिया, ना मालूम अगला जुमा हमें से किसको नसीब होता है किसको नहीं होता है। मुझे आप में से अल्लाह हमको लंबी उम्र दे और ईमान के साथ और इल्म के साथ, इल्म नाफिया के साथ दे, अल्लाह हमें एक मौका दे बार बार, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो मेरी आप लोगों से इस मुख्तसर के खुतबे में जो गुजारिश थी और जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलानी थी वो यही है कि फिजूल खर्ची हम कम कर दें, हमारे वक्त की हमारे पैसों की, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल शॉर्टेज आ रही है, इकोनॉमी जा रही है। ऐसे हालात में हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हालांकि जरूरत भी कम हो जानी चाहिए।
चार जोड़ी के बदले अगर दो जोड़ी कपड़े से काम चल जाता है तो बहुत हो गया। इखराजात के अंदर हम पैसा बचा भी हो सकता है हमारे कौम के लिए, ये आगे चलकर काम आ सकता है, हमारे अपनों के लिए काम आ सकता है। वाखिर Mm-hmm.